अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो चलिए आइए इस कमीज़ पर एक खूबसूरत सा गला बनाते हैं। गले के लिए हमने बुकरम लिया है जिसकी लंबाई 14 इंच है और चौड़ाई उसकी 5 इंच है। चौड़ाई में ऊपर की तरफ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। गले के लिए हमने 7 इंच पर निशान लगा कर वी गला काट लिया है और नीचे जो है हम इसको 1 इंच की प्लेकेट के साथ खोलेंगे। अब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास ये गला आ गया है। ये देखिए, ये हमारा गला है। हम इसको साइडों से 1 इंच के बुकरम पर काट लेंगे चौड़ाई पर और इसे कपड़े पर पेस्ट कर लेंगे। कपड़े पर पेस्ट करने के बाद गले के बाहर की तरफ से इजाफी कपड़े को काट लेंगे। सिर्फ मोड़ने के लिए कपड़े को छोड़ेंगे। गले को बीच से फोल्ड करके गले का बीच निकाल लेंगे। पिछले गले के लिए भी एक आड़ा कपड़ा काट लेंगे। जो गले में हमने 7 इंच का कट छोड़ा है उसके लिए हम एक 8 इंच का पीस लेंगे बुकरम का, जिसकी लंबाई 8 इंच है और चौड़ाई तकरीबन 3 इंच है। इसे हम गले के बीच में लगाएंगे। सबसे पहले हम गले की साइडों को मोड़ेंगे। गले की साइडों को मोड़कर हम गले को कमीज़ के ऊपर रखकर बीच से सिलाई लगाएंगे। बीच से सिलाई लगाने का फ़ायदा ये होता है कि गला हमारा हिलता नहीं है इधर उधर और हम आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। बीच से सिलाई लगाने के बाद गले के एक साइड से बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाते हुए हम गले को कमीज़ पर सी देंगे और दूसरी साइड तक सिलाई को ले जाएंगे। इस तरह हमारा गला कमीज़ के ऊपर सिल चुका है। अब हम गले के बीच का इजाफी कपड़ा काट लेंगे। इजाफी कपड़ा काटने के बाद कोनों में छोटे छोटे कट लगाएंगे। अब हम गले को फोल्ड करके इस्त्री करके तुरपाई कर लेंगे। गले पर हमने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हम ये बीच वाला कपड़ा लेंगे। इस पर हम गले की बाहर की तरफ, कपड़े के बाहर की तरफ ये गोल लेस, जिनके गोल दायरे बने हुए हैं, इसे बाहर की तरफ रखकर सिलाई लगाएंगे। गले पर भी हम ऐसे ही बाहर की तरफ रखकर लेस सीना शुरू करेंगे। तमाम गले पर हम लेस को अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तमाम गले पर लेस लगाने के बाद हम इसके बीच में जो हमने कपड़ा तैयार किया था उसे लगाएंगे। दोनों साइडों पर हम 7-7 इंच पर निशान लगा लेंगे।
हमने दोनों जानिब गले पर 7-7 इंच पर निशान लगा लिया है। अब हम कपड़े को नीचे की तरफ से रख कर इस तरह से सेट करके रख देंगे। कपड़े को सेट करने के बाद हम चौक से निशान लगाएंगे। उस निशान के ऊपर हम अपनी लेस रखकर ऊपर यानी लेस ऊपर वाले गले पे जो लेस लगी है उसको रखकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम अपनी लेस के ऊपर पक्का करते हुए सिलाई शुरू करेंगे। और सिलाई लगाते हुए हम अपने गले को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सिंपल कमीज पर ये गला बनकर बहुत प्यारा लगेगा। देखिए हमारा गला बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।